Welcome again student, welcome in OCI video classes. This is the chapter of C language, chapter number 9. And in this chapter, we are going to discuss next function just through the malloc, calloc function in this video. What is calloc function? Calloc is a contiguous memory allocation function. This function is dynamic array memory allocation function. Whenever we allocate memory through this function, means calloc function, the calloc function always prepared memory provide zeros to it. यानी कि जो भी contiguous memory allocation यानी कि calloc function के through जो भी memory तैयार की जाती है, उस memory को by default calloc उन मेमोरी बॉक्सेस में 000 असाइन कर देता है. जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब मैलॉक फंक्शन होता है, तब जब वो एक मेमोरी का एक पहली बात तो वो सिंगल ब्लॉक तैयार करता था जितने भी बाइट का हम लेते थे. और तो यहाँ पर क्या है कि हर एक मेमोरी एड्रेस का अलग अलग ब्लॉक बनेगा और फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस जो होगा वो पॉइंट टाइप का जो वेरिएबल होता है उसको दिया जाता है. यही उसमें बहुत बड़ा मैलॉक में और कैलॉक में डिफरेंस होता है. और इसी डिफरेंस को माइंड में रखते हुए हम ये भी समझ सकते हैं कि जो हमारा कैलॉक फंक्शन होता है कि वो 2 आर्गुमेंट लेता है. कैसे लेता है इसको हम एक प्रोग्राम के माध्यम से समझेंगे और ये भी देखेंगे कि प्रोग्राम में किस तरीके से कैलॉक फंक्शन का यूज़ होता है. तो आइए देखते हैं स्टूडेंट. देखें यहाँ पर मैंने एक फंक्शन ले रखा है. यहाँ पर दो हेडर फाइल लगाएंगे. हेडर फाइल का मैंने डिस्क्रिप्शन जो था छोटा सा लिटिल बिट डिफरेंट डिस्क्रिप्शन मैंने आपको मैलॉक फंक्शन की वीडियो क्लास में दिया था. आगे शुरू करते हैं. यहाँ से इंटीजर में मैंने एक एन वेरिएबल लिया है, एक पॉइंटर लिया है इंटीजर टाइप का और एक आई वेरिएबल लिया है लूप चलाने के लिए. उसके बाद में एंटर द साइज ऑफ डायनेमिक मेमोरी फॉर एलिमेंट्स, यानी कि डायनेमिक मेमोरी का साइज दो, यानी कि अपने एलिमेंट का साइज दो जिससे कि डायनेमिक मेमोरी जनरेट हो सके. अगर इसमें आपको कुछ भी जैसे थोड़ा बहुत जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है अगर इसमें कोई भी जरा सी भी मिस्टेक लगती है तो बाबा आप अपने हिसाब से इसको लिख सकते हैं. उसके बाद मैंने स्कैन कराया है नंबर ऑफ एलिमेंट को, कितने एलिमेंट डायनेमिक मेमोरी में यूजर स्टोर कराना चाहता है. उसके बाद में उन एलिमेंट्स के लिए मैंने डायनेमिक मेमोरी को तैयार किया है इसके थ्रू कैलॉक के थ्रू. यहाँ पे सिर्फ हमें कैलॉक लिखना है कैलॉक के थ्रू. तो देखें कैलॉक यहाँ पर देखें आप दो आर्गुमेंट हैं, एक एन जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैंने इनपुट किए थे और साइज ऑफ ऑपरेटर और किस तरीके की मेमोरी हमें बनानी है और उस मेमोरी का एक जो एलिमेंट होगा उसका साइज क्या होगा वो ये इंटीजर बता रहा है साइज ऑफ ऑपरेटर के थ्रू किसको, कैलॉक को. और मान लीजिए कि हमें 5 एलिमेंट स्टोर कराने हैं तो यहाँ पर 5 ब्लॉक के लिए अलग अलग ब्लॉक एड्रेस बनेंगे जो कि 2-2 बाइट के होंगे. लास्ट में वीडियो में आपने देखा था कि उसमें मल्टीप्लीकेशन होकर मैलॉक फंक्शन पूरा एक मेमोरी ब्लॉक बनाता था, लेकिन जैसे मैलॉक फंक्शन तो एक मेमोरी ब्लॉक बनाता था लेकिन यहाँ पर जो कैलॉक फंक्शन है वो क्या कर रहा है कि अलग अलग मेमोरी ब्लॉक्स बना रहा है इस तरीके से अलग अलग. ठीक है, इस तरीके से अलग अलग बनाना. मान लीजिए कि इसका एड्रेस है 10, इसका हो गया आपका 12, इसका हो गया 14, इसका हो गया 16, इसका हो गया 18, इस तरीके से ये एड्रेस हो गए मेमोरी एड्रेस. तो इनमें अलग अलग ब्लॉक बन रहे थे, बल्कि वहीं अगर दूसरी ओर देखें तो जो आपका मैलॉक था, ये मैं लिखे दे रहा हूँ मैलॉक, जो मैलॉक फंक्शन था इसमें जो था आपका 10 बाइट का मेमोरी ब्लॉक इकट्ठा तैयार हो रहा था. यहाँ पर ये 2 बाइट मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ 2 बाइट और 2 बाइट. इस तरीके से 2-2 बाइट के अलग अलग मेमोरी ब्लॉक्स तैयार हो रहे हैं और जो फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस होगा ये वाला, ये किसको दिया जाएगा, इस पीटीआर को. पीटीआर को दिया गया है. उसके बाद में अब क्या होगा कि इस तरीके से
चेक कराएंगे आगे कि क्या मैलॉक फंक्शन ने क्या किया है कि मैलॉक फंक्शन ने पीटीआर को फर्स्ट मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस दिया है। अगर दिया है तो, अगर नहीं दिया है तो हमें मिलेगा मेमोरी इज नॉट एलोकेटेड, यानी मेमोरी नहीं दी गई है। अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा, तो होगा ये कि यू कैन एंटर फाइव एलिमेंट्स। जैसे मैंने फाइव एलिमेंट्स के लिए माना, तो फाइव एलिमेंट्स हमारे इनपुट हो जाएंगे और उसके बाद में होगा क्या, लूप चलेगा। लूप में स्कैनर के थ्रू हमने वैल्यू इनपुट कराई है यूजर से फर्स्ट एलिमेंट की। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या होगा कि हमारा पीटीआर प्लस प्लस होगा, क्योंकि हर बार में जब नया एलिमेंट स्टोर होगा तो दो से इंक्रीमेंट होके हमारे पीटीआर आगे बढ़ेगा, फिर वो अगली मेमोरी एड्रेस या ब्लॉक का एड्रेस लेगा और उस पर फिर से हमारी वैल्यू स्टोर होगी। इसी क्रम में पांच बार हमारा लूप चलेगा, लेकिन यहाँ पे मैं पांच बार अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, आप जितने चाहें उतने एलिमेंट स्टोर करा सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एज यू विश। तो मैलॉक फंक्शन में लिटिल बिट डिफरेंस होता है और कैलॉक फंक्शन में लिटिल बिट डिफरेंस होता है। मैलॉक फंक्शन में केवल एक आर्गुमेंट लेता है जबकि कैलॉक फंक्शन में दो आर्गुमेंट लेता है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और स्टूडेंट एक बात और बता दें, जो मैंने पिछला मैलॉक का फंक्शन दिया था तो उसमें मैंने जो था कि मेमोरी का इंक्रीमेंट होना था पीटीआर वेरिएबल में, ये इंक्रीमेंट का स्टेटमेंट मैंने शायद नहीं लिखा है, ये आप देख लेना। तो जब आप ये प्रोग्राम बनाना तो इसमें ये जो है पीटीआर प्लस प्लस, ये मैलॉक वाले वीडियो में आप जरूर मेंशन कर लेना उस प्रोग्राम में, ताकि आपको एरर ना मिले, क्योंकि इंक्रीमेंट जब तक नहीं होगा तब तक अगला मेमोरी ब्लॉक का एरिया जो होगा वो नहीं मिलेगा। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। ओके स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।